हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अहमद मोनज मेरे ब्लॉग्स के अंदर। और मैं आपका भाई मोहन, तो आज लेके आ चुका हूँ मैं तेजा जी के मेले की वीडियो। तो मेरे पीछे देख सकते हो आप जो तेजा जी का प्राचीन मेला भर रहा है और इसके अंदर चलने वाले हैं और इसके अंदर आपको दिखाने वाला है किस प्रकार मेला भरता है और यहाँ पे कबड्डी प्रतियोगिता एंड मेले का अंदर का मंदिर का व्यू और किस प्रकार मेला भरता है। यहाँ पे आसपास के गाँव के लोग आते हैं, तो चलते हैं मेले के अंदर और दिखाते हैं आपको किस प्रकार का मेला भरता है, किस प्रकार दुकानें लगती है। आज चलते हैं मेले के अंदर, तो आ जाओ मैं कुछ इस प्रकार की दुकानें लग रही थी मेले के अंदर और अंदर चलते हैं और आपको किस प्रकार है दुकानें। तो कैमरामैन वो दिखा दो गेट का अंदर का नजारा, जैसा है गाइस सामने देख सकते हो ये तेजा जी का गेट। तो इसके अंदर चलने वाले हैं अपन, तो ये श्री तेजा जी महाराज मंदिर काकरिया बुढ़ा भाई का है। तो अपन और आगे चलते हैं, देखते किस प्रकार होता सीन। तो चलते हैं आगे और चलते हैं, इधर दुकानें दिखा दो गाइस और आगे। इधर देख सकते हो गुल्फी की दुकानें लग रखी है और इधर पानी पूरी की दुकान लग रखी है, आगे चाट की लग रखी है और ऐसी बहुत सारी दुकानें लग रखी है गाइस। तो और चलते आगे और टीम आज मेले के अंदर खेलने वाली है, बहुत अच्छा खेला भाई, ऑल द बेस्ट। आगे चलते हैं और गाइस एक सामने मगरमच्छ लग रहा है, देख लो। आज जैसा गाइस प्राचीन तेजा जी के मंदिर के भोपा जी, ये कालू सिंह जी रावत है ऊपर से दिखाने वाले आपको। और मेरे घर तो आप देख चुके हो किस प्रकार है, मैंने वहाँ से लगा के यहाँ दिखा दिया। यहाँ पे देखिए प्रतियोगिता प्रोग्राम मेला मेला का मैनेजमेंट है पूरा और ढोलर वगैरह सब व्यवस्था, ये देखते हैं ऊपर और ऊपर से आपको दिखाते किस प्रकार होता है। तो चलते ऊपर राज्य के साथ ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। चलने वाले मिंदर के बिल्कुल करीब आ चुके हैं, तो गाइस दोनों ओपन नेचुरल कलर है। देखिए कम गाइस अपन मिंदर के बिल्कुल करीब आ चुके हैं और ये कालू जी महाराज और ये है मेरा पूरी कमेटी, तो यही यहाँ की व्यवस्था और पूरी व्यवस्था संभालते हैं और यहाँ पे कमेटी पूरे प्रोग्राम और जो भी यहाँ का मैनेजमेंट है सब कमेटी वो संभालती होगी। यहाँ के दान दाता है ना, वो दान देते हैं तो उसके द्वारा होता है, तो आप इस मेले के अंदर आता हो तो यहाँ पे दान कर सकते हो। एंड आप यहाँ पे गाइस मतलब कूपन भी है, जो मेला के कूपन होते हैं ना, जैसे बाइक का बहुत सारे इनाम होते हैं तो इनाम भी है, तो आप यहाँ पे इनाम भी करा सकते हो और मेले में कुछ योगदान दे सकते हो। ये मंदिर एक आस्था का मंदिर है और बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ तीन चार भगवान के यहाँ मंदिर बने हुए हैं, वैष्णो देवी का, बाबा रामदेव जी का, वीर तेजा जी महाराज का और एक संत श्री माधव सिंह जी सेवरिया की, ये महात्मा की धुनी है। यहाँ पर ही महात्मा जी ये महाराज खाड़ू महाराज यहाँ विराजमान होते हैं और यहाँ सभी जातियों का न्याय भी होता है, काफ़ी हर चीज़ का फर्क पड़ता है। यहाँ आस्था लेके आते हैं और खाली हाथ कोई भी नहीं जाता है, ये एक आस्था का विश्वास है। और ये अजमेर में एक अनोखा ही मंदिर है जहाँ पर हर जातियों की एक ऐसी इच्छा है जो रोग मुक्त और हर इच्छा ईश्वर पूरी करता है और अनेक दूर दूर से जातरू यहाँ आते हैं, यही मेरा कहना है। और ये हमारे वीर तेजा जी महाराज यहाँ साक्षात्कार एक अनोखा ही चमत्कार है, जो भी यहाँ से मनसा और इच्छा पूरी होती है। हाँ, तो जैसा गाइस यहाँ पे मेला कमेटी का अध्यक्ष आपने बताया, यहाँ पे दो तीन मंदिर है और यहाँ पे वैष्णो देवी का है, रामदेव जी का और तेजा जी का मंदिर है और बाकी यहाँ पे जो भी यात्री आते हैं गाइस उनका न्याय होता है। जैसे अपन कोई दुख तकलीफ हो एंड कोई न्याय कराना चाहता है तो वो करा सकता है यहाँ पे, तो कुछ इस प्रकार है यहाँ की विशेषता है।
जैसा है गाइस, यहाँ पे वैष्णो देवी का मंदिर है और वैष्णो देवी की माता जी स्थापना यहाँ की हुई है। और बाकी बात ये बताने वाले माता जी के इतने ऐसे भक्त है जो 13 साल की उम्र में आज 32-33 साल की उम्र तक ये बहुत ही कठिन परिश्रम करके इनकी सेवा करते हैं। यह एक मंदिर है माँ वैष्णो देवी, एक मंदिर है बाबा राम सा पीर और एक वीर तेजाजी महाराज। मैं आया हूँ ब्यावर से, मेरा नाम संजय दाईमा है। मैं बहुत ही मिसेज की तकलीफ थी और दूर दूर से अहमदाबाद गुजरात ऐसी कोई भी हॉस्पिटल नहीं था या ऐसा कोई स्थान नहीं था जो मैं आज तक लेके गया। आज तक किसी ने किसी एक बेम की दवाई डाली या आने के बाद मेरे मिसेज के एकदम बिल्कुल क्लियर और रोग मुक्त हुआ है। और यहाँ से मैं 3-4 महीने से आ रहा हूँ, एकदम यहाँ पर मुझे बिल्कुल आशीर्वाद मिला है और न्याय मिला है माता रानी वैष्णो देवी के यहाँ बहुत अच्छा चमत्कार। मैं यही आस्था से यह दम माता के चरणों में यही गुजारिश करता हूँ, ऐसी मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। जय माता दी, जय वैष्णो देवी, जय बाबा राम साहिब, जय वीर तेजाजी महाराज। हाँ, तो जैसा गाइस ये कुछ विशेषता है यहाँ की और यहाँ पे सभी चमत्कार होते हैं। जैसे इन्होंने बताया जो कि कुछ दुख तकलीफ होती है तो वो सभी चमत्कार यहाँ पे होते हैं और सच में होते हैं गाइस। बाकी ये बता रहे जो सभी जैसी भावनाएं होती है दिल के अंदर तो सभी पूरी हो जाती है। और बाकी आप भी यहाँ पे आ सकते हो, ये पुनाबाई जयपुर रोड के ऊपर जो कि काकरिया गाँव है पुनाबाई के पास में, तो वहाँ पे आप भी आ सकते हो और आपकी कोई दुख तकलीफ कोई न्याय करा सकते हो महाराज जी कालू महाराज से। तो मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, बाकी दिखाता हूँ आपको वैष्णो देवी मंदिर के अंदर का व्यू, कुछ आते हैं मंदिर के अंदर और दिखाता हूँ माता रानी का मंदिर सजावट और कुछ शानदार। चीजें मिलती है तो उन सब का सिनेमैटिक शॉट दिखाने वाले आपको कितना करते हैं। तो गाइस मैं इस आंटी से मिलाने वाला हूँ आपको और इनसे पूछने वाले हैं कहाँ कहाँ कौन कौन से मेले में दुकानें लगाते हैं। मेलों को अंदर दुकानें लगाते हो सभी मेलों? तो गाइस जैसा कि आपको पता है अभी भादवे का महीना चल रहा है तो सभी मतलब गाँव में मेले लगते हैं, जैसे तेजाजी का हुआ, बहुत सारे मतलब अपने प्राचीन जो देवी देवता है उनके। तो यहाँ पे ये सभी मेलों में दुकानें लगाते हैं, जैसे छाननी हो गई आटा छानने की और ये बेलन हो गया रोटी पोने का। और जैसे अभी तो आपको पता है गाइस खतियारे का सीन चल रहा है, खतियारा बोलते हैं हमारे राजस्थानी भाषा में, तो उसके अंदर जो ये इसको बोलते हैं ना, इसको दातली बोलते हैं। वैसे गाइस ये छुरा बोलते हैं, छुरा भी बोलते हैं और ऐसी एक दातली आती है तो ये भी बहुत ज्यादा खरीदते हैं हमारे। तो ये मेले के अंदर बहुत अच्छा काम कर रही है क्योंकि ऐसी चीजों की हमको जरूरत पड़ती है। तो अभी मेले के अंदर अभी मान लो जैसे कोई भी फैमिली का आता है तो लेकर जा सकता है, तो कुछ इस प्रकार है। और बाकी आज जैसा गाइस ये कबड्डी चालू हो चुकी है, कबड्डी प्रतियोगिता प्रोग्राम, तो अपन दिखाते हैं कबड्डी प्रतियोगिता प्रोग्राम किस प्रकार होता है और किस प्रकार लोग कबड्डी खेलते हैं और बाहर से बहुत सारी टीमें आती तो चलते और कबड्डी प्रतियोगिता प्रोग्राम दिखाते हैं आपको। आज जैसा गाइस कबड्डी प्रतियोगिता प्रोग्राम हो चुका है और मेरे पीछे देखते हो कबड्डी प्रोग्राम चल रहा है, तो कुछ इस प्रकार है और दिखाते कबड्डी प्रतियोगिता किस प्रकार होता है और कहाँ कहाँ की टीम में है। तो देखते हो मेरे पीछे कबड्डी होता है, तो आप इसको एंजॉय करो और देखो। लंबा तो टच और सफल, अगर याद हो और उसके बाद में जो अगला मुकाबला होगा भुट्टा वर्सेस अजमेर क्लब बालूपुरा, ये दोनों टीमें बाहर में बहुत तैयार है और अब समय नहीं दिया जाएगा क्योंकि जैसे आपको पता है उद्घाटन मुकाबले के बाद में कोई समय किसी टीम को नहीं दिया जाता है, आपको एक मैच का पूरा समय मिलता है। फिलहाल लेकिन देखते हुए लीड
को बरकरार रख पाते हैं। चिट्टी विधायक रेडर काफी कोशिश कर रहे हैं डुबकी लगाने का प्रयास, लेकिन डुबकी असफल रही। और एक और पॉइंट मिला है चिट्टी विधायक की टीम बहुत ही ज्यादा संघर्ष करी, लेकिन इसके बीच में खुशी का माहौल है। कौन उनको एक पॉइंट मिला है देनी है मेरे को कि आप अगर मेले के अंदर आओ ना तो अपनी बाइक को बहुत ध्यान पूर्वक खड़ा करना है आपको, क्योंकि गाइस आपको पता है मेले के अंदर ये चोट हो जाती है। एक मेरे दोस्त के साथ हो गई कल के ना, बाइक के अंदर से पेट्रोल निकाल लिया और फिर पेट्रोल की बहुत हालत खराब हो गई। तो आप है ना जब भी मेले में आओ ना तो ऐसी जगह अपनी बाइक को खड़ी करना जहाँ पे पेट्रोल की एंड आपकी नज़र में हो सके बाइक, तो क्योंकि बाइक के अंदर बहुत सारी परेशानी हो जाती है, भाई पिंचर भी कर सकते हैं कोई लोग और पेट्रोल वगैरह का। तो प्लीज़ यार ये ध्यान रखना मेले के अंदर आओ तो, क्योंकि बाइक की बहुत ज़्यादा मेरे को कमेंट आ रहे हैं कि बाइक के अंदर ऐसे ऐसे हो सकता है, तो आप देख लेना आपके हिसाब से। तो बाइक का बिल्कुल ध्यान पूर्वक खड़ा करें। तो ये देखो मेरे पीछे यहाँ पे पार्किंग खड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे तो गाइस यहाँ मेला की व्यवस्था है, तो व्यवस्था संभालने के लिए मेला कमेटी के जो लोग हैं ना वो आदमी लगा रखे हैं बाइकों को संभालने के लिए, लेकिन कई जगह यहाँ मेला कमेटी के द्वारा नहीं होते आदमी, तो वहाँ पे कुछ अनहोनी हो सकती है। तो आप हाँ, तो ये गाइस ये वीडियो यही पूरी करते हैं और अपन मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय वीर तेजाजी महाराज की।